भाई नई स्ट्रीम चल गई ब्रो। चलो बढ़िया हो गया, अब बनाएंगे नेक्स्ट रूम। बना रहे भाई बना रहे, रुक जाओ भाई, सब्र रखो थोड़ा सा। भाई रूम आईडी पासवर्ड गाइस मैं बना रहा हूँ। लोग यार सब लोग पहले ना स्ट्रीम को एक बार शेयर मार दो भाई, सारे लोग हमसे बिछड़ के दूर चले गए हैं। रेंगल का मैं भी बनाया भाई मैंने, क्योंकि लोग ज़्यादा हो जाएंगे मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि फुल बूम बाम यहाँ पर सपोर्ट आ रहा था भाई, फुल बूम बाम। भाई स्ट्रीम पे डाल देता हूँ, डिस्कॉर्ड पे भी डाल देंगे, बिल्कुल डालेंगे भाई, सब चीज़ डालेंगे, हर जगह डालेंगे रूम आईडी पासवर्ड। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी सपोर्ट करते रहो। बिग फैन घोल भैया दोबारा स्ट्रीम पे आ चुके, कतई हज़ार भाई। स्ट्रीम ही बंद हो गई थी, क्या करता मैं बता, मेरा स्ट्रीम बंद हो गया था, मैं तो रूम बना ही रहा था। रूम अब बड़ी मुश्किल से अभी नेट को रिस्टार्ट मारा वाईफाई वगैरह को, उसके बाद जाके मैंने यहाँ पर अभी भी देख नाटक कर रहा है नेट। घोल भैया आपको तो सब पता ही है। गाइस रूम आईडी पासवर्ड मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दी भाई, सब आ जाओ भाई फटाफट आ जाओ। भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है मजाक मेरे साथ। भाई स्ट्रीम क्या दिक्कत कर रही है पता नहीं ब्रो। भाई क्या नाला अलग ही नशे कर रहा है, मेरे को बुलाओ, अब बुलाओ मेरे को भाई। रिक्वेस्ट शेयर मार दिए भाई, कम लौंडे अगर होते तो हम सहनोक कर देंगे दोबारा, समय की हमारे पे बहुत कमी है। क्योंकि
भाई अभी तक सब बोले थे रूम बनाओ रूम बनाओ, अब सब चले गए भाई, ये तो गलत बात है भाई। आप लोग के लिए मैंने दोबारा यहाँ पर नेट स्टार्ट रीस्टार्ट वगैरह इतनी मेहनत करी और भाई सब लोग अब मतलब चले गए। गलत बात है ब्रो, बैठ जाओ ब्रो बैठ जाओ, घोल भैया रैंडम स्लॉट में बैठ जाओ भाई, स्ट्रीम देखते रहना, किसी की टीम में मत जाके मत बैठ जाना, कोई रोएगा फिर। घोल चचा बैठ जाओ, आपको जहाँ बैठना है अभी। अरे बिग फैन नरुटो ब्रो भाई, हम आपके फैन हैं सर। भाई कूलर चलाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि यार क्या बोलूँ मैं, अब फ़ोन ऐसा हीट हो रहा है ना, आग लग रही भाई फ़ोन में आग। गाइस यहाँ पर भाई 2 मिनट और दे रहा हूँ, लास्ट 2 मिनट भाई, 2 मिनट में स्टार्ट कर दूंगा भाई, कतई गर्मी हो रही है ब्रो,
सैनॉक का मैप कर दूंगा ब्रो, मैं बंदे कम होते हैं तो सैनॉक का मैप कर दूंगा। जल्दी बैठो ब्रो, कहाँ गया भाई? घोल भैया, उनके साथ एक बंदा और आ रहा है। अरे हट गया घोल, हट गया घोल, हट गया। भाई अगर इतने कम बंदे होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। नॉक नॉक गेमिंग ब्रो, रूम आईडी पासवर्ड व्हाट्सएप में दिया हुआ है भाई। भाई ऐसा कैसे हो सकता है रूम आईडी पासवर्ड ना दिया हो मैंने? अबे रुक जा ब्रो, अबे रुको भाई, रूम आईडी पासवर्ड दे रखी है ब्रो मैंने। स्टार्ट कर दे यार अमित, स्टार्ट कर दे।
भाई स्टार्ट करने का मैसेज कर दिया मैंने, लौंडा स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट कर दिया यहाँ पर गाइस, तो रूम आईडी पासवर्ड। भाई कब से स्टार्ट हो रहा है टूर्नामेंट? इन्फो एज ब्रो 27 तारीख से स्टार्ट होगा, 27 से स्टार्ट होगा। कबाब गेमिंग में नहीं दिया है ब्रो, नॉक नॉक गेमिंग ब्रो, यार मिस कैसे हो सकता है भाई। एक मिनट रुक जाओ मेरे को देखने दो, मैंने रूम आईडी पासवर्ड भाई सब जगह दी थी। ओ भाई मिस हो गया ब्रो, बिल्कुल भाई मिस हो गया, सॉरी यार ब्रो, भाई मिस हो गया भाई, पता नहीं कैसे मिस हो, मेरे को समझ नहीं आया। मैं हर जगह डालता हूँ यार, आज रूम आईडी पासवर्ड गलत कैसे मिस हो गया मेरे को समझ नहीं आया। कोई नहीं यार, चलो भाई अब सॉरी भाई, उसके लिए मैं क्या बोलूँ। दूसरे ग्रुप में दिया था हाँ ब्रो, नहीं क्या भाई, मुझे न्यू बताला न्यू स्ट्रीम में सब्सक्रिप्शन सीधे ऐसे, क्या बोल रहा है ग्रुप पर मैंने देखा नहीं था। एंट्री फीस पे कैसे करना है भाई? इन्फो एज ब्रो पेटीएम गूगल पे से आप कर सकते हो भाई एंट्री फीस पेमेंट। भाई वो गलती से मिस हो गया ब्रो, मैं हर ग्रुप में रूम आईडी पासवर्ड डालता हूँ भाई। ओके ओके, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है भाई क्या? बिल्कुल भाई, इन्फो एज भाई व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, आप ज्वाइन कर सकते हो भाई, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ये है। डिस्कॉर्ड का सर्वर भी ज़रूरी है, अगर आप लोग डिस्कॉर्ड यूज़ करते हो भाई, मैक्सिमम गेमर जो है वो डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं भाई, तो आप हमारे हर प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप डिस्कॉर्ड इंस्टाग्राम सब चीज़ है भाई हमारे पास, तो जहाँ भी आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो भाई हर जगह आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए। कबाब गेमिंग को शेयर मार दो भाई, सपोर्ट कर दो कबाब गेमिंग को। और भाई आ क्यों नहीं रहा नाइटबॉट, फिर से सो गया क्या? नाइटबॉट फिर से सो गया लगता है मेरे को भाई, नाइटबॉट को क्या हो जा रहा है आजकल, नाइटबॉट ढीला पड़ जा रहा है भाई। एक बार मैं नाइटबॉट का सिस्टम देख लूँ क्या हो गया इसको, फिर आपको देख भाई लिंक नहीं आएगा भाई डिस्कॉर्ड व्हाट्सएप का लिंक, मैं आपको रैंडमली डाल दूंगा। अरे ब्रो मेरे को लगता है भाई फिर से यहाँ पर जो वो है डिस्कॉर्ड यहाँ पर वो लाइट बोर्ड फिर से सो गया भाई। कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको वैसे यहाँ पर ग्रुप का लिंक डालता हूँ मैन्युअली डाल के, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उससे भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेटवर्क सो गया भाई, हम नहीं सोए अभी। ये लो भाई ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को। तो भाई अब यहाँ पर बढ़ेंगे, 23 टीमें हैं, 69 बंदे, 73 थे, एक स्क्वाड निपट गई क्या भाई? जब तक हमने वो देखा तब तक एक स्क्वाड ही निपट गई लग रहा है मेरे को। बिल्कुल भाई, दो बंदे निपट चुके, एसिड भाई निपट चुके, थॉर मूव भी निपट चुके, ब्रिक्स मालकम, चिकन टिक्का, मॉन्स्टर माफिया बचे अपनी टीम से। मिलिट्री बेस में उतरी हुई टीम नंबर, दो टीमें उतरी हुई भाई यहाँ पर, टीम नंबर 25, टीम नंबर 25 के सामने यहाँ पर टीम 15। एस्ट्रोस ओवर विराट, इम्परफेक्ट विनय, सौरव खेल रहा, तो दिखाओ उसे, बिल्कुल दिखाएंगे, सौरव को भी दिखाएंगे ब्रो। भाई शेयर मार दो, सपोर्ट कर दो कबाब गेमिंग को भाई। और यहाँ पर अभी पुरानी स्ट्रीम तो बंद हो गई यार, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था
तो मेरे को नई रूम आईडी यहाँ पर बनानी पड़ी। फाइट होती हुई दिख रही है यहाँ पर, सेवरनी में फाइट हो रही है, टीम 22 की फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मॉन्स्टर माफिया ने एस्ट्रोस और विराट को नॉक किया, टीम 14 के सामने यहाँ पर टीम नंबर 12 है। एस सी एल ओ4 किलर यहाँ पर भाई मॉब शैडो की कवर खोद चुकी है, कोबरा भी फिनिश हो चुके हैं, हो जाएंगे मतलब बिल्कुल होंगे। मॉन्स्टर माफिया ने एल सी डेडपूल आईडी को भी नॉक कर दिया, मॉन्स्टर माफिया की तरफ से बढ़िया गेम प्ले देखने को मिल रहा है। ब्रिक्स मालकम ने रेड प्लॉटी को फिनिश किया, वैनम सौरभ को बालक आंडी ने फिनिश किया, चिकन टिक्का ने वेस्ट और विराट को निपटा दिया भाई यहाँ पर यार कई फाइट। टाइम लगा यार, एक नंबर वहां कसम बैठ जाता है यार। बालक आंडी के सामने यहाँ पर है चिकन टीम, वैनम सौरभ, ऋषि राज, सौरभ फिलहाल यहाँ पर रिवाइव है। चिकन कोरमा को भी नॉक कर दिया है, ऋषि राज और चिकन पास्ता बचे हुए टीम से, सिर्फ चिकन कोरमा दो बंदे ऑलरेडी डाउन है, चिकन पास्ता और ऋषि राज बचे हुए अपनी टीम से। टीम आईएनडी के सामने चारों बंदे अलाइव हैं यहाँ पर, पूरी टीम को फिनिश कर दिया। मॉब शैडो की टीम यहाँ पर उतरी थी सेवरनी पे, यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। सामने का टीम 21 के, बालक आईएनडी बम बी एम एस आई आईएनडी यहाँ पर हील नहीं है भाई इनके पास, एक एक एच पी के है दोनों भाई, एक भी गोली अगर लगती है यहाँ पर तो निपटारा हो जाएगा। मिस्टर क्लाउन गेमिंग यहाँ पर है, एक्सपर्ट स्ट्रोम पेन किलर मारते भाई, इनके पास हेल हील नहीं है भाई। बालक आईएनडी और बीएमसआई आईएनडी के बिल्कुल हील की कमी है। मैक्स नूब बस करो बस करो। चिकन सूप यहाँ पर, सॉरी चिकन पास्ता यहाँ पर यूएमपी में फोरेस्ट चलाते हुए। यहाँ पर फायर देखने मिलती है, रूडेक्स यूविन ने यहाँ एक बंदे को नॉक किया। रूडेक्स यूविन कहाँ बैठे भाई, देखना होगा, रूडेक्स यूविन यहीं है टीम 23 में। अरे बॉट पता नहीं क्या हो गया बॉट को, बढ़िया है मानी कनेक्ट नहीं हुआ भाई एक बंदे को डाउन किया। यहाँ पर स्पार्क कौशनी जेठा ओपी को नॉक किया, स्पार्क की टीम बढ़िया खेलती हुई। नाइट बॉट को पता नहीं क्या हो जा रहा है, नशे करके बैठा ना, बढ़िया इस पर। यहाँ पर एफ ई सी माइक को भी, आर ई सी माइक को भी नॉक कर दिया है। रुक जा मैं बता दूँ नाइट बॉट को क्या हो गया। अरे यार ये पता नहीं इसको आजकल क्या हो जाता है, नाइट वॉर्ड भी नशे करके बैठा है आजकल, बोल तो रहा हूँ। पूरी टीम को निपटा दिया, चार किल निकाल चुके पहाड़ी अंकी ने, टीम डीसी एरो को निपटाया। और भरोसा भाई ये क्या है मतलब, भाई कोई मर जाएगा तो गाली देना शुरू कर देता है भाई, बस यही आता है लोगों को मतलब। भाई अगर तुम्हें मार दे कोई तो तुम बस ऑल में आके गाली बक दो, बस यही काम होता है। कई मतलब चुतियाप होता है यार भाई, मतलब गेम ही तो है ब्रो, गेम ही तो है। गेम में इतना छोटा मोटी बात, तुम अगर इतना एग्रेशन दिखाओगे तो कैसे चलेगा। रुक जा नाइट वॉर्ड को फिर से ऐड करेंगे। तो भाई यहाँ पर एक फाइट होती हुई और एक टीम निपट चुकी है, 20 टीम एसिबल। किलर ने यहाँ पर एक बंदे को नॉक किया, किलर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो भाई कहाँ हो रही फाइट। यहाँ पर थी एस सी एल ओ फोर किलर की टीम बिल्कुल सेवरनी में उतरी हुई, केवल किलर ने एक बंदे को नॉक किया हील करते हुए। अभी हम यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे भैया, कमेंट की तरफ दोबारा बढ़ते भाई। नाइट बोर्ड कहाँ गया, नाइट बोर्ड आ जाएगा वापस ब्रो, नाइट बर्ड सस्ते नशे कर लेता है बीच बीच में, लेकिन वापसी करा देते हैं हम उसकी, पता नहीं क्या हो जाता है, डेड हो जाता है भाई कभी कभी, मेरे को समझ नहीं आता। स्ट्रीम चालू होने से पहले दोबारा सब बोलते हैं कि एक बार नाइट बर्ड को रिस्टार्ट करा करो, कभी कभी दिक्कत कर जाता है, मैं करना भूल गया, कल से ही दिक्कत हो रही है वहाँ पर। वैसे यहाँ पर 5 किल निकाल चुके हैं एस सी एल ओ, ये क्या कर रहा है भाई, अच्छा गन लूट रहे भाई। एस सी एल ओ 4 की टीम को यहाँ पर निपटा दिया एनी बी केंजी ओपी ने, मीनिंग का मार की नहीं आ रहा यार अच्छी। अरे ब्रो दाई कई हार्ड भाई, ऐसा ही हो रहा है आजकल तो क्या करें। भाई देखो मेरे को इनके चक्कर में गेम साउंड बंद करना पड़ रहा है गाइस, क्या करूं मैं। तो नेक्स्ट फाइट की तरफ बढ़ेंगे, एक साथ नरूटो ने यहाँ पर गॉड किंग को नॉक किया, स्कूल में फाइट हो चुकी है। नरूटो भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर टीम नंबर 2 में बैठे हुए, शायद बिल्कुल टीम 2 में बैठे। आई हिलर, आई पिकाचू, एक्सार नरूटो और एक्सार ड्रैगनाउ, चार बंदे खेल रहे हैं।
नाइट वर्ड फिर से नशे करके बैठ गया भाई, पता नहीं क्या हो गया इसको। यहाँ पर नरूटो ने कर दिया किल कंफर्म, 3 किल निकाल चुके। गॉड किंग को यहाँ पर निपटा दिया है। और टीम डीसी जो कि हमेशा स्कूल में उतरती हॉट ड्रॉप उनका वही है। यहाँ पर 4HS घोल भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हुए, 4HS घोल भैया यहाँ पर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे, कतई हार्ड भाई। घोल भैया यहाँ पर कैम कर चुके हैं, अभी स्ट्रीम पे आएंगे हमसे यहाँ पर चैट वार्तालाप करने। टीम 21 टीम 25 मिलिट्री बेस में भाई, आसपास में अभी कोई फाइट हो नहीं रही है, सारी टीमें काफ़ी दूर दूर है, तो देखना होगा यहाँ पर कौन सी टीम अगली फाइट लेगी। गाइस स्ट्रीम को शेयर मार दो भाई, जितने भी लोग स्ट्रीम देख रहे हैं एक बार स्ट्रीम को शेयर मार दो। और ये क्या चीज़ है, मैंने आज तक देखी नहीं भाई ये चीज़, मैं एक बार देख लूँ। ओके ओके ये अलग चीज़ है भाई। 1150 सब्सक्राइबर आज हमने छू लिए भाई, जल्दी हम यहाँ पर 1200 का टारगेट, 1500 2000 जल्दी हम लोग यहाँ पर छू लेंगे। बल्क में उम्मीद है भाई कुछ टाइम बाद एक रेड हमारे पे अगर चैनल पे आती भाई तो यहाँ पर फुल बूम बाम हो सकता है, क्या बोलती पब्लिक। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें और कुछ नहीं यहाँ पर। तो चिकन पास्ता और ऋषि यहाँ पे निकल चुके भाई, कोई नहीं आया था टीम में। घोल भैया कहते यार कोई बात नहीं ब्रो, आप प्रो हो, आप सोलो वर्सेस स्क्वाड में यहाँ पर अभी क्लच दिखाएंगे, फिर आप रिकॉर्ड कर लेना उन गेमों को, आपके रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे आपके पास, आप रिकॉर्ड करना उसको और क्लच बना के यूट्यूब में डाल देना, व्यू पे व्यू कमा लेना, पैसा पैसा बोलते। गाइस तो टूर्नामेंट के यार ऑलरेडी मैं डिटेल शेयर कर चुका हूँ, फटाफट सब जा लोग जाके रजिस्टर कर दो यार। इम्परफेक्ट विनय भी आखिरी बंदे बचे हुए मिलिट्री बेस, वो मिलिट्री बेस से जो बच के आए थे। बमसी आईएनडी की टीम आ चुकी है क्लोज में, इम्परफेक्ट विनय को यहाँ पर स्पॉट कर लेंगे इजीली। गाइस तो लास्ट मैच अभी दूंगा ये मैच, मैं पब्लिक भी बहुत कम पब्लिक आई है देखने, ये मैच का मजा उतना आ नहीं रहा है क्योंकि भाई लोग जब आते नहीं है ना तो उतना मजा आता नहीं देखने में। किस पे पुश करूं बताओ, अभी बताता हूँ रुको। इंपरफेक्ट विनय को स्पॉट किया, फिनिश कर देंगे बिल्कुल बमसी आईएनडी। कौन सी टीम को किल करूं रुको, कौन सी टीम को किल दूं रुको, तुम्हें बताता हूँ किस टीम में पुश करना है, जो तुम्हारे आसपास है उसी टीम बताता हूँ। बगचौत की टीम पे पुश करो भैया, बगचौत ए बगचौत बी बगचौत एस, यहाँ पर टीम नंबर 10 पे पुश करो। घोल भैया एक किल दे दो इन्हें अपना फ्री। निकू ने एक्सट्रा ड्रैगनो को यहाँ पर नॉक किया है, प्रो टीम को आप क्लच कर सकते हो ना, तो आपको प्रो टीम का मैं दे रहा हूँ। ड्रैगनो यहाँ पर नॉक पड़े नारुतो भाई कवर देते हुए भाई, ये स्कूल अपार्टमेंट की फाइट बहुत ही बोरिंग होती है। सूरज और निकू भी के साथ दे नारुतो निकू भी को नाम के सूरज यहाँ पर स्प्रे देते हुए, रैंडम स्प्रे कोई दिख नहीं रहा भाई, फिर भी स्प्रे पड़ता हुआ यहाँ पर रिवाइव करते हुए सूरज अपनी टीममेट को। भाई रिवाइव मिल जाएगा इजीली, थोड़ा सा ड्रोन व्यू की तरफ अगर हम चलते हैं, ड्रोन व्यू भाई ये रहा ड्रोन व्यू। तो टीम नंबर यहाँ पर 2 पुश कर चुकी है टीम 20 पे, अब दिक्कत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सोलर को फिर सूरज को फिर से नॉक कर दे, निक्कू बचे हुए अपनी टीम से, यहाँ पर वाइप आउट हो जाएगी टीम। जैसा कि मैंने बोला टीम वाइप आउट हो जाएगी, यहाँ पर टीम हो चुकी है वाइप आउट, बढ़ेंगे दूसरी फाइट की तरफ। गोल भैया पे यहाँ पर हमला होने वाला है, टीम नंबर 6 आ चुकी है इनके सामने, यहाँ पर देखना हो गोल भैया कैसा क्लच दिखाएंगे। सॉरी एक बंदा है फ्रैगम फ्रॉगमैन XP 1v1 सोलो वर्सेस सोलो भाई, बगचौत की टीम आ चुकी है गोल भैया के सामने, क्या यहाँ पर फाइट देखने को मिलेगी। नहीं भाई यहाँ पर निकल चुकी है यहाँ पर टीम वापस, आईएलएस प्रणम ने आग बंदे को नॉक किया। बढ़िया 3 किल निकाल चुकी टीम, नेप केंजो आईएलएक्स स्टीम पंक आईएलएक्स प्रणम टीम नंबर 9 इनके सामने यहाँ पर, और आइकन अज्जू को भी यहाँ पर पिक ऑफ कर लिया है।
पूरी टीम को यहाँ पर निपटा दिया इसके साथ। फ्रॉगमैन ओपी ने यहाँ पर फोरेस घोल भैया को धप्पा दे दिया। सोलो बंदा कैम कर रहा था भाई, घोल भैया को पीछे ठप्पा दे दिया, खराब लगा। 13 टीमें 38 बंदे, जोन कतई बड़ा, लैग का कोई चांस ही नहीं है ब्रो। अभी मुझे ही मत दे दिया, घोल भैया को धप्पा दे दिया पीछे से यार, खराब लगा बहुत ही। वो भी सोलो बंदों से मरे, सोलो बंदे से मरे, बहुत ही खराब लगा। भाई ऐसा भी होता ना पबजी के रूम में कि भाई गाड़ी लेकर जाने वाला था, पीछे से भार दिया, अरे भाई खराब लगा। ऐसा भी होता कि इनकी आवाज़ मेरे पास, मेरे को इनकी आवाज़ पहुँचे, मतलब मैं जिसको बोलना चाहूँ उसके पास मेरी आवाज़ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। टीम 11 मेहता गॉड यहाँ पर, टीम 22 और टीम 2 के सामने, टीम 2 के सामने जाते हुए भाई पिकाचू सामने गाड़ी से कुछ लेंगे क्या, देखना होगा भाई। निकल गए मेहता गॉड ने, कभी गॉड लेवल की बग्घी चलाई, लेकिन इनकी कबर खुदने को तैयार है भाई। अभी कॉफिन वाला सॉन्ग बच सकता था, लेकिन मेहता गॉड की ओपी बग्घी ड्राइविंग यहाँ पर उनके प्राण बचा लेगी क्या। टीम 2 उनके पीछे गाड़ी लगानी चाहिए बिल्कुल, नरूटो भैया नहीं रुकेंगे, नरूटो भैया गाड़ी लगा चुके हैं यहाँ पर टीम नंबर। भाई वो लॉन्डर रेंज में ही नहीं है, ऐसा ड्रैगनों को चिकन टिक्का ने नॉक किया, बढ़िया कार 98 का चांटा दिया चिकन टिक्का ने दूर से, भाई बढ़िया नॉक किया यार, काफ़ी दूर नॉक किया यहाँ से। नहीं नहीं ड्रैगनों भैया तो यहीं रुके हुए थे, तो चिकन टिक्का के लिए आसानी हो गया ड्रैगनों को गिराना यहाँ पर। यहाँ पर टीम नंबर 2 मैक ओपी ने गिरा दिया है आई पिकाचू को, एक बंदे को और डाउन करेंगे भाई, स्कोपिंग करा एकदम बढ़िया। नरूटो यहाँ पे ब्लडी ब्लडी फाइंग को नॉक किया, पूरा फिनिश करेंगे हीलर को। यहाँ पर ब्लड ए पिकाचू को भी नॉक कर दिया भाई, नरूटो को सॉरी मैक ओपी ने यहाँ पर नरूटो को भी ओप कर दिया। लास्ट बंदे कौन बचे हुए हैं भाई, पूरी टीम को फिनिश कर दिया। चिकन टिक्का मास्टर माफिया और ब्रिक्स मालकम यहाँ पर बचे हुए, चिकन टिक्का यहाँ पर कतई जहर खेलते हुए 4 किल निकाल चुके मास्टर माफिया, बढ़िया गेम प्ले दिखाते हुए। ऋषि राज ने बमसी आंडी को नॉक किया, ऋषि राज की तरफ चलेंगे। एंटी जूस दिखाना जब फाइट करता हूँ, बिल्कुल दिखा दे घोल भैया। क्यों काम करना है, क्या काम करेगी, बंद है वो, क्या बंद है, हैंगआउट से खोलना मुझे, मोबाइल में खोल ले हैंगआउट, इसमें खोलना है, क्यों क्यों खोलते हैं, मोबाइल में भी खुल जाता है हैंगआउट, बोला है उसमें खोलना है। यहाँ पर टीम नंबर 21 जोन में बढ़ती हुई 11 टीम बची हुई, 31 बंदे अभी भी अलाइव हैं, देखना होगा भाई कौन सी टीम कैसे रोटेशन लेती है यहाँ पर। मैक्स मुक्त से अभी तक अलाइव है, टीम 19 के सामने यहाँ पर फाइट देखने को मिल सकती है, टीम 19 इमोर्टल अभी सोलो वर्सेस स्क्वाड के लिए। सामने टीम नंबर 10 बकचोद की पूरी टीम है, देखने में लायक होगी फाइट भाई, 1v4 क्लच यहाँ पर देखने को मुश्किल है भाई, बहुत कम दिखता है और लास्ट सिचुएशन फिर भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है। जोन देखना भाई, जोन किस तरह बनता है यहाँ पर, वो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। जोन भाई, जोन फिर से यशनाया की तरफ पड़ गया भाई, ये चूतिया जोन होता है यशनाया वाला, क्योंकि यशनाया की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, लॉन्डे कैम करने लग जाते हैं। टीम नंबर 11 यहाँ पर 3 किल निकाल के निकल चुकी आगे की ओर, बढ़ते हैं चिकन टीम की तरफ। इमोर्टल अभी ने एक बंदे को धप्पा दे दिया वैसे, लेकिन देखना भाई चारों को गिरा पाते हैं नहीं पाते। बक्तो एस को यहाँ पर नॉकडाउन किया शायद, गाइस आवाज़ आ रही नहीं आ रही स्ट्रीम पे। एंटी नेक्सस को दिखाना, अरे बैठा कौन सी टीम में ये बताओ, एंटी ज्यूस कौन सी टीम में बैठा हुआ है, दिख ही नहीं रहा ब्रो मेरे को।
भाई आवाज आ रही नहीं आ रही, बता दो कोई। आ रही है। 11 टीमें बचे, 33 बंदे अलाइव में। मैं को ओपी की गाड़ी, स्लेयर ओपी की गाड़ी भाई, गाड़ी फोड़ दी। मैं था गॉड, आखिरी बंदे बचे क्योंकि अलग गाड़ी में घूम रहे थे, वरना इनकी कवर भी खुद नहीं पक्का थी। एंटी जी ओके, एंटी जी भाई सोलो खेल ले, नंबर वन पे बैठे हुए भाई। गिली सूट तो पहन लिया, इमोर्टल अभी बढ़िया खेलते भाई, लेकिन बकचोद बी ने उन्हें कर दिया फिनिश। एक बंदा डाउन जरूर किया था, लेकिन सोलो वर्से स्क्वाड ना पॉसिबल होता नहीं है। मैक्स मुक्ति से डेस्ट सोलो, मेहता आ चुके हैं यहाँ पर। यशनाय का कंपाउंड होल्ड कर लिया भाई, पहला जैसे मैंने बोला था यशनाय का जोन मतलब बहुत कुत्याब होता है, क्योंकि ये बड़ा जोन है और बहुत दिक्कत हो सकती है। इसको लास्ट मैच आज के दिन है, शेयर मार दो सभी लोग, कबाब गेमिंग को सपोर्ट कर दो भाई। भाई 2 मिनट है, बमसी एंडी काफी ओपन आते हुए। सामने टीम 24 भाई, हाई ग्राउंड में बहुत एडवांटेज है टीम नंबर 24 के पास। यहाँ पर थोड़ा सा ड्रोन भी देखे तो आसपास में काफी टीम है यहाँ पर। भाई देख सकते हो आसपास में यशना है कि जो सबसे बढ़िया स्क्वाड हाउस है, टीम 24 ने कैप्चर कर लिया। टीम 21 भी यहाँ पर एक स्क्वाड हाउस होल्ड करके बैठी हुई है। टीम 23 टीम 25 भाई लाइन से 21 23 24 25 टीमें यहाँ है। अगर 22 टीम भी होती तो भाई मज़ा ही आ जाता। तो गाइस देख सकते हो क्या प्यारा व्यू आ रहा है भाई, चार टीमें आसपास में यहाँ पर भिड़ रही है। अगर जोन इनके पास नहीं बनता है, चारों में से किसी भी टीम के पास जोन नहीं बनता है, तो मज़ा आएगा भाई। अरे भाई कतई हार्ड भाई, चारों टीम अभी भी जोन में है यार, गलत सीन हो गया है। तो टीम 24 को जोन पर बढ़ना होगा। रूडेक्स यूविन ने मेहता गॉड को फिनिश किया, रूडेक्स यूविन आखिरी बंदे बचे हुए थे, मेहता गॉड तो यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं भाई। चारों टीम पर जोन है, तो जोन के बाहर जो टीम है, टीम नंबर 10, टीम 6, दो टीमें सिर्फ जोन के बाहर है, बाकी सारी टीमें ऑलरेडी जोन में कैप्चर कर चुकी है जगह। तो टीपीपी का खेल चलता रहेगा यार, क्योंकि जोन कहीं खिसका नहीं, टीमों को रोटेशन करनी है नहीं। नैप कैनलो अपने एक बंदे को नॉक किया, N8 केंजी ओपी है भाई। मुक्तसिद ने एक बंदे को नॉक किया, मुक्तसिद की तरफ चलेंगे। ओके तो SL04 किलर आखिरी बंदे बचे थे यहाँ पर, फिनिश होंगे डायरेक्ट। चिकन टिक्का और रोडक्स यूविन ने नॉक किया है, ब्रिक्स मालकम ने यहाँ पर नॉक कर दिया है रोडक्स यूविन को। बढ़िया फाइट देखने को मिल रही है गाइस, यहाँ पर चिकन टिक्का को क्या रिवाइव मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा रिवाइव। नौ टीमें 26 बंदे भाई, और जोन देखो कतई छोटा जोन हो गया है। बालक आईएनडी ने अब मैक्स मुक्ति सिद्ध को मौली मार दिया, जला दिया है पर आईएनडी के बालक ने, एक और मौली मारते हुए मुक्ति सिद्ध यहाँ पर जाएंगे फिनिश। SL04 मेहता बचे हुए हैं,
बमसी मेहता बचे हुए टीम 18 से बमसी INDI एक टीम बढ़िया खेलती हुई। मेहता ने उठा लिया M249 ना बीस्ट गन, पता ही जहर गेम प्ले मास्टर। वहाँ पे रूडिक जुविन ने फिर से नोकिया टीम 23 के रूडिक जुविन, अभी भी रेस्ट नहीं होगा भाई, घरों पे रेस्ट करना इतना इजीली नहीं होता है ब्रो। भाई यशनाया के कंपाउंड में होल्ड करना इतना इजी, मतलब रेस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, टीम इतनी जल्दी यहाँ रेस्ट कर नहीं सकती है, तो नॉक एंड फिनिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नॉक ही नॉक का गेम चलता रहता है। रूडक जुबिन के बाद यहाँ पर स्प्रे वो स्कोप की कमी यहाँ पर, लेकिन पीछे से भाई यहाँ पर बढ़िया स्प्रे मारते हो चिकन टिक्का, यहाँ पर का 98 के साथ धप्पा देने को बिल्कुल तैयार है मॉन्स्टर माफिया, DP का स्प्रे करे ब्रिक्स, मालकम भी बढ़िया पोजिशनिंग में है। भाई फ्लेयर गन मंगा दिया लॉन्डो ने, बताओ टीम नंबर 23-24 ने मंगाई है फ्लेयर गन, और मिस्टर क्लोन गेमिंग न्यू आईडी लेवल 21 की है, देख लूँगा मैं ब्रो, गेम ख़राब होगा तो मैं उसको देख लूँगा, टेंशन मत ले तू। ऐसे लोग मेहता को फिनिश कर दिया, क्लोन INDI को देख लेते हैं, नई आईडी है तो चेक करना पड़ता है। भाई तो जोन से दूर हो चुका है यहाँ पे टीम नंबर 21, जोन में बढ़ना होगा। ओके NXJuice को अंदर भाई स्पॉट किया, लेकिन स्प्रे लगा नहीं भाई, एक भी स्प्रे कनेक्ट हुआ नहीं यहाँ पर। 8 टीम में 24 बंदे, कतई जहर मैच चलता हुआ, जहर मैच। बच्चों की टीम भी पूरी अभी तक जिंदा, ABPS आज वीवो भाई कहाँ गए, माना गेम ब्रो वीवो भाई मैच खेल रहा था तो वीवो ने बोला कि भाई एक मैच बना लो, नेक्स्ट में हम देख लेंगे, इसलिए रूम किसी और से बनवाया इस बारी। बत्तीस लेवल की आईडी न्यू नहीं है मुक्तिसिद्ध ब्रो, 30 लेवल की आईडी हमने बोला, 30 लेवल की आईडी होगी तो हम झेल लेंगे। और मडराट का गेम मैंने कल भी देखा, मडराट के गेम में कोई कोड नहीं है। भाई घरों का जोन है, जोन कट गया जोन भाई, डिस्कॉर्ड अब आया नाइटवर्ड, अब जिंदा हुआ नाइटवर्ड, सो गया था। 8 टीमें 24 बंदे, टीम 3 को जाना है जोन में, शायद यहाँ पे DSP स्प्रे दे दिया भाई, स्प्रे दे दिया DSP यहाँ पर बैठे हुए थे, कौन सी टीम के भाई ये DSP, सॉरी DSQ है टीम नंबर 24 के। नाइटबोर्ड अब आया भाई, नाइटबोर्ड सो गया था बीच में, अरे नाइटबोर्ड का भी सर्वर डाउन हो जाता है यार। टीम 25 अभी भी जोन के सेंटर में भाई, टीम 25 के पास मौका है चिकन निकालने का, चिकन टिक्का यहाँ पर। IGL अपनी टीम के मास्टर माफिया ब्रिक्स मालकम तीनों लौंडे में जीता, 5 किल निकाल चुकी है टीम, देखने वाली बात होगी भाई। मॉन्स्टर
मॉन्स्टर माफिया ने बकचोद ए को नॉक किया, मॉन्स्टर माफिया क्या फिनिश करना है, फिनिश करना थोड़ा मुश्किल। डेस्क्यू अभी ने ड्रीम किलर बी को नॉक किया, डेस्क्यू अभी को कमांडर ने नॉक किया, पीछे से चिकन टिक्का का बढ़िया नेट, बकचोद ए को भी नॉक कर दिया। यहाँ पर मौका भाई रेस्ट करने का अभी बकचोद पी ओ भाई, बकचोद एस का बेहतरीन नेट और मॉन्स्टर माफिया को कर दिया नॉकआउट। ट्रिक्स मैक्सिमम एक अच्छी वजह चिकन टिक्का ने बकचोद पी को भी यहाँ नॉक कर दिया। बमसी आई एन डी ने यहाँ पर चिकन टिक्का बढ़िया नेट मारते हुए बकचोद की टीम बी ब्रिक्स माल का हो चुकी है फिनिश। बकचोद की टीम पर रश करना चाहिए भाई, बकचोद एक लास्ट बंदे बचे हुए थे अपनी टीम से, लेकिन यहाँ पर फिनिश कर दिया है फ्रॉगमैन ने बकचोद एक्स को, तो बकचोद की टीम हो चुकी है फिनिश। यहाँ पर चिकन टीम को यहाँ पर खेल मिलते हुए रूड एक्स की टीम है अभी तक बची हुई है, स्पार की टीम बची हुई है, चिकन टिक्का के यहाँ पर 5 किल हो चुके हैं मॉन्स्टर माफिया के, चिकन टिक्का 2 किल, ब्रिक्स मालकम 1 किल के साथ प्लेजोन से ब्लैक्स पर हो चुके हैं नॉकआउट। और भाई जोन बढ़ना होगा टीमों को, टीम 23 यहाँ पर जोन में, कमांडर भी हो चुके हैं प्लेजोन से नॉकआउट, बालक आई एन डी को नॉक किया, स्पार्क मिक्की ने यहाँ पर, और भाई टीम 21 के लिए जोन में एंट्री लेनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्लाउन गेम भाई जोन में आ तो गई लेकिन पीछे से टीम 24 धप्पा दे देगी, प्ले जोन से हो चुकी है भाई सारे बंदे नॉकआउट और फिनिश। 5 टीमें बचती है, 13 बंदे अलावे 2 सोलो है भाई जिसमें से, यहाँ पर टीम 24 और टीम 23 के स्पार्क की टीम और आईएलएक्स के चारों बंदे अलावे अभी तक 10 किल निकाल चुकी है आईएलएक्स की टीम, यहाँ पर स्पार्क की टीम ने निकाले 6 किल, चिकन टीम यहाँ निकाल चुकी है 8 किल। गाइस क्या लगता है हु विल विन दिस मैच, कमेंट करो भाई सब कमेंट करो। जोन का सपोर्ट अच्छा मिला टीम 25 को, टीम 24 हो चुकी है जोन से बाहर, बढ़िया यहाँ पर चिकन टिक्का के साथ को नॉक कर दिया भाई, पूरा फिनिश करेंगे। मॉन्स्टर माफिया ने एंटी टिक्स को यहाँ पर जीउस को नॉक करा और पीछे से स्पार्क ने यहाँ पर कर दिया चिकन टिक्का को नॉक, पीछे को आना होगा यहाँ पर बिल्कुल। यहाँ पर अगर एक नेड आता है अच्छा वाला तो यहाँ पर आईएलएक्स को ना नॉक पड़े, फिलहाल स्पार्क की टीम से पुश देखने को मिल सकता है कि टीम 25 पे नहीं पुश कर रहे, नेड कुक कर रहे लेकिन शायद बंदा पीछे को है, बिल्कुल भाई नेड यहाँ पर कुक करा लेकिन बंदा थोड़ा दूर था। तो ड्रोन की तरफ चलते हैं, फिलहाल मार्कम को नॉक कर दिया इस बार कौशिक ने, बढ़िया यहाँ पर रिएक्शन और एक एचपी बचे हुए, टीम 23 पुशिंग करती हुई ब्रिक्स मालकम को कंप्लीट कर दिया भाई। यहाँ पर चिकन टीम पे अब रश पड़ता हुआ टीम 20 स्पार्क की तरफ से, डीएसक्यू अभी ने स्पार्क संदीप को नॉक किया पीछे से और स्पार्क मिक्की को भी नॉक कर दिया भाई, स्पार्क टीम का यहाँ पर पुश खराब कर दिया डीएसक्यू अभी ने टीम 24 ने। अब दिक्कत उसकी है बुलेट यूविन यहाँ पर बचे हुए उस घर में, स्पार्क कॉपी पीछे से कवर देते हुए, दो बंदे यहाँ पे डाउन है। टीम 25 को जोन में बढ़ना होगा तो भाई 23 को यहाँ पर फ्रॉगमैन के पास मौका है भाई, यहाँ 3 टीम फाइट में एंगेज है तो शायद स्टीम पंक यहाँ पर नॉकआउट हो जाएंगे मेरे ख्याल से, बिल्कुल पे जोन से नॉकआउट होगा स्टीम पंक। फाइट देखने को मिले कौशिक को यहाँ पर निपटा दिया स्पार्क कौशिक को, रूडेक्स यूविन ने केनजीप को नॉक किया, रूडेक्स यूविन ने आयलन प्रेप को नॉक किया, रूडेक्स यूविन कतई हार्ड खेलते हो भाई, दो बंदे यहाँ पर खा चुके हैं स्पार्क कौशिक को यहाँ पर खाएंगे, कंप्लीट करने जा रहे हैं बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर दो बंदे बचे हो भाई, अभी दो बंदे नॉक ऑलरेडी रिवाइव कर दे सकते हैं, देखना होगा यहाँ पर चिकन टीम ऊपर से भाई पूरी टीम को यहाँ पर फिनिश कर, स्पार्क संदीप हो चुके फिनिश, मिक्की को यहाँ पर रिवाइव देना होगा भाई, संदीप को रिवाइव दे रहे हैं, मिक्की यहाँ पर फिनिश हो गया। 2v1 की फाइट है यहाँ पर, चिकन टिक्का बैंडेज मारते हुए मॉन्स्टर माफिया बैठे हुए भाई, कतई हार्ड गेम प्ले, 2v2 vs 1 गाइस क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी यहाँ से, टीम 24 टीम 23 एंड टीम नंबर 6 फ्रॉगमैन एक्सपी बताइए ओपी, दो किल निकाले भाई लौंडे ने, बकचोद एस का किल और 4 HS घोल का किल निकाला है इन्होंने, 16 vs स्क्वाड वगैरह चिकन निकालते भाई तो बहुत बड़ी बात होगी। थोड़ा सा चिकन टीम की तरफ चलते, मॉन्स्टर माफिया में एफपीपी लेते हुए भाई, रूडेक्स यूविन भाई ने जो गेम प्ले दिखाया ना कहते हार्ड गेम प्ले, 6 किल निकाल चुके रूडेक्स यूविन यहाँ पर यूविन, और ड्रिंकिंग भाई हील बैटल भी देखने को मिल सकता है भाई, कंपाउंड क्योंकि ऊपर नीचे है तो हील बैटल भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर चांसेस है कि भाई हील बैटल हो, मौका है कि हील बैटल हो सकता है क्योंकि कंपाउंड ऊपर नीचे है तो टीमों के पास यहाँ मौका है कि हील बैटल भी हो सकता है, हमें हील बैटल देखने को मिल सकता है गाइस। भाई कितने लोग हैं स्ट्रीम पर गाइस कमेंट कर दो एक बारी, चिकन बोलते भाई देखो चिकन की टीम, यहाँ चिकन निकाल पाएगी या निकाल पाएगी देखना होगा, और फ्रैग ओपी सामने से निकल गए भाई, यहाँ पर रूडेक्स यूविन भाई ने स्पॉट नहीं कर पाए यहाँ पर अंदर आ चुका बिल्कुल, यहाँ पर फिनिश कर दिया, 2v2 की फाइट है चिकन टीम वर्सेस स्पार्क की टीम, स्पार्क संदीप रूडेक्स यूविन 7 किल निकाल चुके हैं यहाँ पर, मॉन्स्टर माफिया सामने 6 किल निकाल चुके हैं, चिकन टिक्का पर 2 किल निकाल चुके हैं, देखना होगा भाई छत पे है चिकन टीम को, भाई हील बैटल देखने को जरूर मिल सकता है हमें यहाँ पर, क्योंकि
क्योंकि हाइट वाली टीम का एडवांटेज होता है, अगर थोड़ी सी ट्रिक्स एंड टिप्स इन्होंने आजमाई होगी, लेकिन हील नहीं है भाई चिकन टिक्का के बाद, यहाँ पर हील की कमी है बहुत, हील नहीं है उनके पास, तो हील बैटर तो ऑब्वियसली कर नहीं सकते, यहाँ पर नीचे जंप करेंगे क्या। युविन भाई यहाँ बाहर को आ चुके भाई, यहाँ पर एंगल बनाते हुए बिल्कुल साउंड ले लिया उन्होंने इस बार संदीप भैया डीपी प्ले, युविन भाई यहाँ पर छत पे दरवाजे पे आ गए। हील बैटर देखने को मिल सकता है गाइस, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हील होनी भी चाहिए, दिक्कत हो सकती है टीम चिकन के लिए क्योंकि हील उनके पास नहीं है। और इस बार संदीप यहाँ पर रोडिस युविन को कवर देते हुए, रोडिस युविन का नहीं सोन के एंड पे भाई, सात हील उठा चुके, हील बैटर के लिए तैयार है रोडिस युविन भाई भी, हील बैटर के बिल्कुल तैयार है, ऐसी बात नहीं है, हील बैटर की पूरी प्रिपरेशन कर दी है, सात हील हेल्थ किट उठा चुके हैं और स्पार्क संदीप के पास तीन हेल्थ किट है, तो हील बैटल यहाँ पर टीम नंबर 23 हील बैटल बढ़िया कर सकती है, टीम 25 के पास हील की कमी है, आठ किल निकाले यहाँ पर टीम, आठ नहीं सॉरी चिकन टीम ने यहाँ पे निकाले 9 किल, स्पार्क की टीम यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुकी है 11 किल, बढ़िया किल है दोनों टीम के यार, अगर चिकन टीम निकालती है कोई सी टीम 11 किल या 13 किल के साथ चिकन टीम यहाँ पर होगा, जिस जो भी टीम जीतेगी। तो क्या कमेंट मार दो फटाफट से क्या लगता है भाई, बहुत साउंड आ रहा है, अरे ब्रो भाई कूलर का साउंड है थोड़ा सा भाई, अब क्या कर सकते हो बताओ। रूडक युविन भाई तो फुल भाई मूड में है हील बैटल के, कोपचे में घुस चुके हैं, उन्हें पता है कि भाई हील बैटल के नाम से यहाँ पे ज़्यादा है, और मॉन्स्टर माफिया भाई यहाँ पर एंगल बनाने की कोशिश करते हुए, जंप कर दी भाई मॉन्स्टर माफिया ने यहाँ पर भाई, गलती करी मैं कहूँगा थोड़ी सी, हील इन्हीं के पास थी, हील बैटल अगर होता तो हील बैटल ही नहीं करनी थी, और यहाँ पर थोड़ी सी जल्दीबाजी करी मेरे ख्याल से रूडक्स युविन और यहाँ पर स्पार्क संदीप टीपी भी लेते हैं भाई, बाहर कूद चुके हैं ये भी, चिकन टिक्का भी यहाँ कूद चुके हैं, मौसम फोर में चलाते बिल्कुल एक बंदे को डाउन करा यहाँ पर, बढ़िया गेम प्ले रूडक्स युविन अभी बचे अपनी टीम से, देखना होगा भाई यहाँ पर रूडक्स युविन कहाँ पर साउंड दे रहे, बिल्कुल स्पॉट कर लिया यहाँ पर, चिकन टिक्का को नॉक कर दिया रूडक्स ने, 1v1 की सूचना भाई यहाँ पर, बढ़िया गेम प्ले रूडक्स युविन की तरफ से, बढ़िया गेम यहाँ पर रूडक्स युविन की, बढ़िया फिनिशिंग करी भाई 9 किल के साथ, 13 किल निकाले चिकन और स्पार्क की टीम, कतई ओपी भाई, बढ़िया गेम प्ले चिकन टीम से भी, लेकिन चिकन डिनर यहाँ पर नहीं निकाल भाई, बढ़िया गेम प्ले भाई। तो इसी के साथ आज की स्ट्रीम यहीं पर समाप्त होती है गाइस, मिलते हैं आपको रात को, अगर रात को स्ट्रीम होती है तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया, अगर ग्रुप में जुड़े रहिए, हमारे डिस्कॉर्ड में जुड़े रहिए भाई, सारे सर्वर हमारे, आप लोग कनेक्ट रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।